गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी की किताब मंथन से पाठ 10 कबीर के दोहे पढ़ाऊंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। बच्चों, कबीरदास के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। कबीरदास 15वीं सदी के संत कवि थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उन्होंने सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों की निंदा की। कबीरदास अनपढ़ थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह बीजक ग्रंथ में किया। उनके दोहों को साखी कहा जाता है। उनके दोहों में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कवि कबीर ने अनेक नीति परक दोहे लिखे, उनमें से कुछ दोहे मैं इस पाठ में आपको पढ़ाऊंगी। ये दो पंक्तियों के दोहे मनुष्य को बड़ी से बड़ी सीख दे सकते हैं। तो आइए इन दोहों को पढ़कर हम कुछ सीखने की चेष्टा करते हैं। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि एक सेवक है जिसके सामने गुरु और गोविंद, यहाँ पे गोविंद भगवान यानी ईश्वर को कहा गया है, उस सेवक के सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों ही खड़े हैं और वो दोनों के ही चरण छूना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो पहले किसके चरण छूए। जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? तो ऐसी स्थिति में गोविंद ने बताया यानी भगवान ने बताया कि गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना ही उत्तम है। जिनके कृपा से, जिनके ज्ञान रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हे सेवक, तुम पहले अपने गुरु के चरण पढ़ो। यानी गोविंद कहते हैं कि हे सेवक, तुम पहले अपने गुरु के चरण पढ़ो, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान रूपी प्रसाद से तुम्हें गोविंद यानी भगवान के दर्शन हुए हैं। दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोए, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों? यानी इसका, इस दोहे का अर्थ है कि जैसे हम दुख में हमेशा घड़ी घड़ी भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उसी तरह हमें सुख में भी उनका सुमिरन करते रहना चाहिए। अगर हम सुख में भी सुमिरन उनका, उन्हें याद करते रहेंगे तो फिर दुख की छाया हम पे कभी नहीं पड़ सकती, इसलिए हमें सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। अगला है, जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए परेशानी या मुसीबत खड़ी करे, तुम उसके आचरण के विरोध में भी अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखो, इससे तुम्हारा स्वभाव और मन बुद्धि शीतल रहेगी। उसने जो नफरत का बीज तुम्हारे लिए बोए हैं, उसका फल उसे खुद ही मिलेगा। यानी इसका कहना, इस दोहे का अर्थ है कि जो आपके लिए मुसीबत खड़ा करता है यानी आपके पथ में, आपके रास्ते में कांटे बोता है, तो उसके लिए आप कभी भी अपना आचरण खराब नहीं करेंगे। आपका जो कर्म है आप करें और उसका जो कर्म है वो करेगा। अगर उसके कर्म और आचरण आपके विरुद्ध है, आपके आचरण के विरुद्ध है, तो उसका फल उसे स्वयं ही मिलेगा। आप अपना कर्म कभी खराब ना करें। इस दोहे का एक और भी मतलब है कि जो आपके लिए, अगर आपके कर्म के अनुसार, आपके कर्म से जुड़ी अगर आपको सफलताएं मिलती है, और अगर सामने वाला, अगर आप उससे दुखी होता है, उससे जलता है, तो ये उसका कर्म है और आपकी सफलता आपका कर्म का प्रतीक है। तो आप अपना कर्म कभी ना छोड़ें, आप अपने कर्म को करते रहें। दूसरा
दूसरा जो करता है उसका उसका फल उसे मिलेगा, आप अपना कर्म खराब ना करें। तो ये कबीर दास जी के कुछ दोहे हैं, इस पाठ का कुछ दोहा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तब तक इतना आप पढ़िए और इसको समझिएगा। धन्यवाद।